Drupal Site Management पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिपोर्ट्स देखना, Drupal अपडेट करना, मॉड्यूल्स और थीम्स अपडेट करना और पुराने वर्शन को रेस्टोर करना यानी बहाल करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और Firefox वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूं। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट मैनेजमेंट क्या है? साइट मैनेजमेंट इनके बारे में है। Drupal के कोड जो कि कोर, मॉड्यूल्स और थीम्स हैं को अपडेट करना। एरर्स का मुशाहिदा और इन्हें दुरुस्त करना। यूजर की सरगर्मी के बारे में जानना वगैरह। अपनी वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। साइट मैनेजमेंट का इब्तिदाई पॉइंट रिपोर्ट्स मेन्यू है। अगर आपको इजाफी मदद की जरूरत है, तो आप हेल्प मेन्यू से मदद ले सकते हैं। रिपोर्ट्स पर क्लिक करें, हम रिपोर्ट्स की एक फहरिस्त देखते हैं, जिसे हम अपनी Drupal साइट पर ला सकते हैं। अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें। अगर कुछ भी सुर्ख बैकग्राउंड में है, इसका मतलब है कि यहाँ सिक्योरिटी अपडेट है और हमें इसे जल्दी ही अपडेट करना चाहिए। अगर ये पीले रंग में है, तो ये सिक्योरिटी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ एक आला दर्जे का वर्शन दस्तियाब है। सेटिंग्स टैब पर हम Drupal को बता सकते हैं कि अपडेट्स के लिए किस तरह बार-बार जांचना है। हम इसे खुद को ईमेल भेजने के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं, अगर यहाँ अपडेट्स दस्तियाब हों। ऐसा करने की पुरजोर सलाह दी जाती है। रिपोर्ट्स में रीसेंट लॉग मैसेजेस हमें Drupal में पाए गए एरर्स की फहरिस्त फराहम करता है। हम थोड़ी देर में एक बार फिर इन पर तवज्जा देंगे। रिपोर्ट्स में स्टेटस रिपोर्ट Drupal की तरफ से शिनाख्त शुदा तंसीब या कॉन्फ़िगरेशन के मसाइल की अक्कासी करता है। मिसाल के तौर पर मैं MySQL 5.6.30 पर हूँ। मेरा Drupal कोर स्टेटस अप टू डेट नहीं है, मेरा डेटाबेस अप टू डेट है वगैरह। रिपोर्ट्स में टॉप एक्सेस डिनाइड एरर्स और टॉप पेज नॉट फाउंड एरर्स भी अहम हैं। ये यकीनी बनाने के आसान तरीके हैं कि हमारी साइट बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। टॉप सर्च फ्रेजेस हमारी वेबसाइट के सर्च फॉर्म में अक्सर इस्तेमाल किए गए अल्फाज फराहम करता है। अपनी Drupal वेबसाइट के रिपोर्टिंग सेक्शन को समझना अपनी वेबसाइट की देखरेख करने का पहला मरहला है। अब Drupal को अपडेट करना सीखते हैं। अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि Drupal कोर का मौजूदा वर्शन 8.1.0 है और रिकमेंडेड यानी जिसकी सलाह दी गई है वो वर्शन 8.1.6 है। ये रिकॉर्डिंग के वक्त की सूरत हाल है। आप यहाँ मुख्तलिफ रिकमेंडेड वर्शंस देख सकते हैं। नोट करें कि Drupal में मौजूदा रिकमेंडेड वर्शन का पता लगाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। Drupal कोर को अपडेट करते वक्त कोड फाइलें खुद डाउनलोड करनी पड़ती हैं और अपनी वेबसाइट पर लागू करनी पड़ती हैं। हम मरहलावार तरीके से अपग्रेडिंग अमल देखेंगे। दर्जेल स्टेप्स बिटनामी Drupal स्टैक के लिए मुनासिब हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेप्स किसी भी दूसरी Drupal इंस्टॉलेशन के लिए मुनासिब हैं। स्टेप नंबर 1, पहले अपनी साइट को मेंटेनेंस मोड में रखें। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं और डेवलपमेंट में मेंटेनेंस मोड पर क्लिक करें। पुट साइट इनटू मेंटेनेंस मोड ऑप्शन को चेक करें। सेव कॉन्फ़िगरेशन के बटन पर क्लिक करें। जब मेंटेनेंस मोड चालू हो, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉग इन कर सकते हैं। गलती से अगर आपने एडमिन से लॉग आउट किया है, आप अपने होम पेज पर URL के बाद /user का इस्तेमाल करते हुए लॉग इन कर सकते हैं। दूसरे लोग मैसेज देखेंगे, साइट इज अंडर मेंटेनेंस। स्टेप नंबर 2, मौजूदा वर्शन के डेटाबेस का बैकअप लें। अपनी बिटनामी Drupal स्टैक कंट्रोल विंडो खोलें। कंट्रोल विंडो को कैसे खोलें, ये जानने के लिए इंस्टॉलेशन ऑफ Drupal ट्यूटोरियल पर अमल करें।
ओपन पीएचपी माय एडमिन के बटन पर क्लिक करें। हम पीएचपी माय एडमिन पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं। डिफॉल्ट यूजरनेम रूट है। Drupal एडमिन पासवर्ड और पीएचपी माय एडमिन पासवर्ड दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यूजरनेम रूट टाइप करें और फिर अपना Drupal एडमिन पासवर्ड टाइप करें। फिर गो के बटन पर क्लिक करें। बैकअप लेने के लिए पहले ऊपर के पैनल पर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। फिर एक्सपोर्ट मेथड में कस्टम मुंतखब करें। डेटाबेस फहरिस्त में बिटनामी Drupal 8 मुंतखब करें। आउटपुट सेक्शन में फाइल नेम टेम्पलेट में Drupal 810 लिखें और कंप्रेशन में gzipped मुंतखब करें। फाइल नेम अपने मौजूदा वर्शन की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शंस में एड ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट ऑप्शन पर चेक मार्क करें। एड ड्रॉप टेबल ऑप्शन पर चेक मार्क करें। नीचे स्क्रॉल करें और नीचे गो के बटन पर क्लिक करें। सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करें। अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाएं और बैकअप फाइल drupal8.1.0.sql.gz देखें। स्टेप नंबर 3। हमें तमाम सर्वर्स को बंद करना चाहिए। तमाम चल रहे सर्वर्स को बंद करने के लिए बिटनामी Drupal Stack Control विंडो पर जाएं। मैनेज सर्वर्स टैब पर क्लिक करें और फिर स्टॉप ऑल बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 4। वेलकम के टैब पर क्लिक करें और फिर ओपन एप्लीकेशन फोल्डर पर क्लिक करें। ये फाइल ब्राउजर में खुल जाएगी। फोल्डर एप्स, फिर Drupal और आखिर में htdocs पर जाएं। स्टेप नंबर 5। हमें Drupal के मौजूदा वर्शन के लिए कोड के बैकअप लेने के लिए फोल्डर बनाना है। मौजूदा वर्शन के साथ फोल्डर को नाम दें। फिर डेटाबेस फाइल को Drupal 8.1.0 फोल्डर में डालें। स्टेप नंबर 6। htdocs फोल्डर पर वापस जाएं। फिर कोर और वेंडर फोल्डर को और बाकी तमाम फाइलों को बैकअप फोल्डर Drupal 8.1.0 में मुंतकल करें। ये दोनों डेटाबेस और कोड को एक मुकाम पर रखता है। ये कोर के पुराने वर्शन की बैकअप कॉपी है, अगर कभी आप इस वर्शन पर वापस आना चाहें। स्टेप नंबर 7। अपने htdocs फोल्डर पर जाएं। अब हमें Drupal का नया वर्शन डाउनलोड करना होगा। अपना वेब ब्राउजर खोलें और जाहिर लिंक drupal.org/project/drupal पर जाएं। Drupal 8 का नया रिकमेंडेड वर्शन डाउनलोड करें। इस रिकॉर्डिंग के वक्त ये Drupal कोर 8.1.6 है। आपका इसे देखने के वक्त वर्शन मुख्तलिफ हो सकता है। इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। डाउनलोड पर जाने के लिए tar.gz या zip पर क्लिक करें। इसे सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करें। अब अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाएं और अपने htdocs फोल्डर में Drupal zip फाइल मुंतकल करें। Drupal 8.1.6.zip फाइल इस ट्यूटोरियल के वेब पेज में कोड फाइल्स लिंक में दी गई है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। स्टेप नंबर 8। फाइल को अनजिप करें। ये htdocs फोल्डर में Drupal-816 फोल्डर बनाएगा। खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। नए Drupal फोल्डर से कोर और वेंडर फोल्डर और दीगर तमाम फाइलों को htdocs फोल्डर में मुंतकल करें। स्टेप नंबर 9। बिटनामी Drupal Stack Control विंडो पर जाएं। अब मैनेज सर्वर्स टैब पर जाएं और तमाम सर्वर्स को शुरू करने के लिए स्टार्ट ऑल बटन पर क्लिक करें।
स्टेप नंबर 10 अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए वेलकम टैब गो टू एप्लीकेशन बटन और एक्सेस ड्रूपल लिंक पर क्लिक करें रिपोर्ट्स और स्टेटस रिपोर्ट पर जाएं यहां हम ड्रूपल वर्जन नंबर की तस्दीक कर सकते हैं कि क्या यह ताजातरीन वर्जन है लेकिन हमारा डेटाबेस आउट ऑफ डेट है हर बार जब भी वहां कोर मॉड्यूल या थीम अपडेट्स हो डेटाबेस अपडेट करना होता है स्टेप नंबर 11 डेटाबेस को अपडेट करना सीखते हैं एक्सटेंड मेन्यू में जाएं और अपडेट स्क्रिप्ट लिंक पर क्लिक करें कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें यह बताता है कि हमारे पास पेंडिंग यानी ज़ेरोथवा अपडेट्स हैं आपके लिए यह मुख्तलिफ हो सकता है अप्लाई पेंडिंग अपडेट्स के बटन पर क्लिक करें एडमिनिस्ट्रेशन पेजेस के लिंक पर क्लिक करें अगर यहां कोई एरर्स नहीं है तो हमने कोर को कामयाबी से अपडेट कर लिया है स्टेप नंबर 12 गो ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें पुट साइट टू मेंटेनेंस मोड ऑप्शन से चेक मार्क को हذف करें सेव कॉन्फ़िगरेशन के बटन पर क्लिक करें यह तमाम यूजर्स के लिए वेबसाइट को ऑनलाइन मोड में वापस लाएगा अभी तक बयान किए गए स्टेप्स बिटनामी इंस्टॉलेशन के लिए काम करते हैं अगर आपने दीगर तरीकों का इस्तेमाल किया है तो बिटनामी सेक्शन के अलावा ज्यादातर स्टेप्स ऐसे ही होंगे अब थीम्स और मॉड्यूल्स अपडेट करना सीखते हैं ये कोर अपडेट के मुकाबले में आसान है क्योंकि ड्रूपल इसे एक बटन पर क्लिक करके कर देगा कभी-कभी हमारे पास किसी कोर अपडेट के बगैर सिर्फ मॉड्यूल्स या थीम्स अपडेट होंगे स्टेप नंबर 1 रिपोर्ट्स मेन्यू पर और फिर अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें अपडेट के टैब पर क्लिक करें हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ थीम्स और मॉड्यूल्स अपडेट करने के लिए हैं इन तमाम को منتخب करें फिर डाउनलोड दीज अपडेट्स के बटन पर क्लिक करें यकीनी बनाएं कि परफॉर्मिंग अपडेट्स इन मेंटेनेंस मोड के लिए चेकबॉक्स ऑन है अपडेट्स को लागू करने के लिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें यह कोड को अपडेट करेगा और साइट को ऑनलाइन मोड पर ले आएगा स्टेप नंबर 2 रन डेटाबेस अपडेट्स के लिंक पर क्लिक करें अगर आपने डेटाबेस का बैकअप नहीं लिया है तो लें जैसा हमने पहले लिया कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें यह डेटाबेस को अपडेट करेगा जैसे कि हमने कोर को अपडेट करने के लिए किया था अप्लाई पेंडिंग अपडेट्स के बटन पर क्लिक करें एडमिनिस्ट्रेशन पेजेस के लिंक पर क्लिक करें ड्रूपल आमतौर पर साइट को वापस ऑनलाइन मोड पर ले जाएगा अगर ऐसा नहीं है तो आपके पेज के सबसे ऊपर एक गो ऑनलाइन ऑप्शन नजर आएगा स्टेप नंबर 3 आखिर में चेक करें कि सब कुछ अप टू डेट है रिपोर्ट्स मेन्यू और अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें यहां हम देख सकते हैं कि हमारा ड्रूपल कोर मॉड्यूल्स और थीम्स सब कुछ अप टू डेट है फिर सीखते हैं कि अपने पुराने वर्जन पर किस तरह लौटना है अगर आपका अपडेट किसी तरह से नाकाम हो जाता है और आप नहीं जानते कि किस तरह तो आप गुज़िश्ता वर्जन पर वापस जा सकते हैं इसके लिए हमें पुराने कोर और डेटाबेस को रेस्टोर करने की जरूरत है स्टेप नंबर 1 साइट को मेंटेनेंस मोड में रखें स्टेप नंबर 2 ड्रूपल स्टैक कंट्रोल विंडो से तमाम सर्वर्स को बंद करें स्टेप नंबर 3 अपने htdocs फोल्डर को खोलें कोर और वेंडर फोल्डर्स और दूसरी आम फाइलों को ड्रूपल 8.1.6 फोल्डर में डालें htdocs फोल्डर में जाएं और पुराने वर्जन के फोल्डर को खोलें फिर कोर और वेंडर फोल्डर्स और दूसरी आम फाइलों को ड्रूपल 8.1.0 से htdocs फोल्डर में डालें
Step number 4. Drupal Stack Control Window से Apache और MySQL servers को शुरू करें. Step number 5. पुराने database को restore करें. Drupal Stack Control Window से PHP MyAdmin page को खोलें. ऊपर import के button पर क्लिक करें. Browse के button पर क्लिक करें. यहां backup database फाइल मुंतखब करें. फिर नीचे go के button पर क्लिक करें. Step number 6. आखिरी मरहला जांचने के लिए कि क्या हम पुराने वर्शन पर आ गए हैं, अपनी Drupal साइट पर आएं, Reports मेन्यू और Status रिपोर्ट पर क्लिक करें. यहां आप देख सकते हैं कि अब आपका Drupal वर्शन 8.1.0 है. नोट करें कि हम सिर्फ कोर और डेटाबेस के पुराने वर्शन पर वापस आ सकते हैं. मॉड्यूल्स और थीम्स Drupal की तरफ से अपडेट किए गए हैं. हमने स्टेप 6 में इसकी कॉपी नहीं बनाई है, तो हम यहां पुराने वर्शन को नहीं देख सकेंगे. अब यह ट्यूटोरियल खत्म होता है. मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने साइट मैनेजमेंट के कुछ अहम पहलुओं के बारे में सीखा. रिपोर्ट्स देखना और तजजिया करना, डेटाबेस और कोड का बैकअप लेना, Drupal कोर अपडेट करना, मॉड्यूल्स और थीम्स अपडेट करना और बैकअप वर्शन को रेस्टोर करना. इस लिंक पर दस्तियाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है. इसे डाउनलोड करें और देखें. स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और असनाद देती है. मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें. स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की माली माउनत NMEICT इंसानी वसाइलों तरक्की की वजारत और NVLI वजारत सकाफत हुकूमत हिंद ने की है. इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है. शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया.